हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एट्रोपिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो एल्केलॉइड्स कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स है। बेसिकली जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको मेनली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टर्पिनॉइड्स एंड कैरेटिनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्लांट पिगमेंट्स। सो ये जो एट्रोपिन है, ये एल्केलॉइड्स कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स है। इससे पहले मैंने टर्पिनॉइड्स एंड कैरेटिनॉइड्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा एल्केलॉइड्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आपको नोट्स प्रोवाइड किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा प्ले लिस्ट का, आप जाके चेक कर सकते हैं। सभी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एट्रोपिन के बेसिक प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इसका सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन पार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। सो एट्रोपिन क्या है? बेसिकली एट्रोपिन इज अ नेचुरल एल्केलॉइड्स एंटी कोलिनर्जिक एजेंट दैट हैज पोटेंट एंटी मस्क्यूरिनिक इफेक्ट एंड एंटी पैरा सिंपेथेटिक ड्रग्स। बेसिकली ये जितने भी टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज यूज फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स। ओके, जो एल्केलॉइड्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये जो है नेचुरल एल्केलॉइड्स हैं, तो ये एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज, मतलब दैट ब्लॉक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं उन्हीं को एंटी कोलिनर्जिक एजेंट कहा जाता है। एंड एट्रोपिन भी एक प्रकार के एंटी कोलिनर्जिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, और इसका बहुत दैट हैज पोटेंट एंटी मस्क्यूरिनिक इफेक्ट एंड एंटी पैरा सिंथेटिक ड्रग्स। ओके, ये एक प्रकार का एंटी पैरा सिंथेटिक ड्रग्स है। इस प्रकार से ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इसका सोर्स क्या है, हमको इसको ये प्राप्त कहां से होता है? सो बेसिकली एट्रोपिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द जूस ऑफ डेडली नाइट सेड एट्रोपा बेलेडोना एंड द फ्रूट ऑफ धतुरा स्ट्रोमोनियम एंड द हैनबेन दैट इज ऑल्सो नोन एज द हायोसाइमस नाइजर। ओके, सो इस प्रकार से ये हमको एट्रोपा जो है एट्रोपा बेलेडोना एंड धतुरा स्ट्रोमोनियम, इन सबसे हमको जो है मेन सोर्स है, यहां से हम आइसोलेट करते हैं एट्रोपिन को। सो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर बट इजिली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, ये वाटर में तो इनसॉल्यूबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है बहुत जल्दी इजिली जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड इट डेवलप बीटर एलमोंड ऑर्डर एंड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। ओके, बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, और ये एक प्रकार के बीटर ऑर्डर जो है डेवलप करते हैं। एंड इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका एट्रोपिन का 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं। ये जो है स्ट्रक्चर है एट्रोपिन का, दो स्ट्रक्चर है, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी एट्रोपिन का बनाया जाता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों में से जो आपको इजिली लगे, जो सूटेबल लगे, आप दोनों में से किसी को याद कर सकते हैं। सो इसके बाद अब हम इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे, स्ट्रक्चर एलुसिनेशन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता है, सो स्ट्रक्चर एलुसिडेशन एट्रोपिन का डेफिनेटली उसमें ऐड होगा। तो उसके लिए आपको यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइज हम इसका जो है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एट्रोपिन इज C17H23NO3। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C17H23NO3 होता है, जो डिटरमाइंड होता है फ्रॉम द एनालिटिकल एविडेंस के द्वारा, मतलब जितने भी क्वांटिटी क्वालिटी एनालिसिस हुआ या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है मेन रूप से, जो जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। सेकंड पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। यहां पे आप देख सकते हैं एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए उसको प्रूफ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि यहां पे हमारा ऑन बेंजाइलेशंस ऑफ एट्रोपिन गिव्स डाइबेंजोइल डेरिवेटिव्स, दिस रिएक्शन शो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शंस है ये शो करता है, ये रिएक्शंस आपको याद करना होगा। सो ये रिएक्शन शो करता है कि इसमें जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेजेंस ऑफ टर्सरी अमीनो ग्रुप। सो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। व्हेन एट्रोपिन ट्रीटेड विद हिंसबर्ग रिएजेंट दैट नो रिएक्शंस एंड व्हेन इट इज रिजॉल्व इन कंसंट्रेशन HCl सॉल्यूशंस। सो बेसिकली ये जो हमारा एट्रोपिन है, जब एट्रोपिन को सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट, जो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, सल्फोनिल क्लोराइड जो हिंसबर्ग रिएजेंट के रूप में वर्क करता है, इसके साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जब इसको जो है कंसंट्रेशन HCl के साथ जब इसको डिसॉल्व किया जाता है, तो इस प्रकार से हमको डिसॉल्व के
तो इस प्रकार से हमको ये सॉल्युबल हो जाता है बेसिकली। जब ये हमारा एट्रोपिन है, जब इसको हिंसबर्ग रिएजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन ये कंसेंट्रेशन HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ होता है कि इसमें टर्शियरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, इसमें एक बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको प्रूफ करने के लिए रिएक्शंस हैं। सो एट्रोपिन हाइड्रोलाइज इज प्रेजेंस ऑफ HCl एट 133 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स ट्रॉपिक एसिड एंड ट्रोपिन। सो यहाँ पे ये जो एट्रोपिन है हमारा, जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है HCl के साथ 130 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमको ट्रोपिन एंड ट्रॉपिक एसिड प्राप्त होता है। उसके बाद जब इस जो उसके बाद फिर इस ट्रॉपिक एसिड का जब ट्रॉपिक एसिड को जब गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर इसका फिर हमको ये प्राप्त होगा। फिर उसके बाद जब इसको रिएक्ट कराया जाता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, तो ये बेंजोइक एसिड हमको प्राप्त होता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक बेंजीन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। उसके बाद अब इसका सिंथेसिस पार्ट, तो ये था पूरा मतलब स्ट्रक्चर एलिस्ट्रेशन जो चार पॉइंट में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद इसका सिंथेसिस है एट्रोपिन का, दो इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, दो स्टेप है उसके बाद एट्रोपिन को सिंथेसिस किया जाता है। सो पहले स्टेप में जो है हम ट्रोपिन को जो है सिंथेसाइज करते हैं, एंड सेकेंड स्टेप में हम ट्रॉपिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद हम दोनों का जब रिएक्ट कराया जाता है तो एट्रोपिन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शंस कुछ इस प्रकार है। सो पहला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन। सो व्हेन अ सक्सेंडलीहाइड ट्रीटेड विद मिथाइल अमाइन एंड एसीटोन टू फॉर्म ट्रोपिनोन एंड रिडक्शन ऑफ ट्रोपिनोन फॉर्म ट्रोपिन। सो यहाँ पे सक्सेंडलीहाइड का जब मिथाइल अमाइन के साथ एंड एसीटोन के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो ट्रोपिनोन एंड ट्रोपिन हमको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ट्रोपिन को जो है पहले सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ट्रोपिक एसिड। सो इसमें जो फिनाइल एसिटिक एसिड है एंड प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं इधर की उपस्थिति में, तो इसको हमको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। फिर इसका जब रिएक्शन होता है आगे, तो हमको मैग्नीशियम 3 ऑक्सीडो 2 फिनाइल प्रो प्रोनेट डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। बेसिकली ये एक प्रकार का कंपाउंड है, जब इसका रिएक्ट कराया जाता है तो इस प्रकार से मिलता है हमको। उसके बाद फिर H2SO4 की उपस्थिति में फिर ये हमको जो है ट्रॉपिक एसिड प्राप्त हो जाता है, जिसका नाम जो है 3-hydroxy-2-phenylpropionic एसिड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ट्रॉपिक एसिड सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद जब ट्रॉपिक एसिड ट्रोपिन और ये हमारा ट्रॉपिक एसिड या फिर 3-hydroxy-2-phenylpropionic एसिड का जब आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो हमको एट्रोपिन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तीन प्रोसेस में जो हमको जो है एट्रोपिन सिंथेसाइज किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना होगा सिंथेसिस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जो है स्टेप्स याद रखने होंगे, याद करना होगा, जो आपको बार बार आप लिख के देखेंगे या बार बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा इजीली। अब हम एट्रोपिन के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सो पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज टू डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई बिकॉज इट हैज डायलेटिंग एक्शन ऑन प्यूपिल ऑफ द आई। बेसिकली जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं, ये एट्रोपिन को यूज करते हैं आई के प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, मतलब उसको चौड़ा करने के लिए। जैसे अगर किसी भी नेत्र विशेषज्ञ को आई का चेकअप करना है तो वो जो है एट्रोपिन का यूज करते हैं, जिससे जो आई होगा ये बहुत ज्यादा चौड़ा दिखेगा, डायलेट हो जाएगा क्योंकि ये जो एट्रोपिन होता है ये इनमें डायलेटिंग एक्शन होता है प्यूपिल के साथ, आई के प्यूपिल के साथ डायलेटिंग एक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है नेत्र विशेषज्ञ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज करते हैं इसको। एंड इट स्टॉप द फ्लो ऑफ सलाइवा के फ्लो को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज वर्क एज द एंटीडोट्स ऑफ स्टूल पॉइजनिंग। ओके, स्टूल पॉइजनिंग मतलब जो डस्ट होता है उसमें एंटीडोट्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से मॉर्फिन का जो है ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने एट्रोपिन का प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर एलिस्ट्रेशन, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन आपको बताया है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। सो इसके अलावा अगर आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी यूनिट का है रिटर्न नोट चाहिए, सो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, जहां से आप एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी है रिटर्न नोट्स ले सकते हैं, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, सो प्लीज चेक आउट दिस पीडीएफ स्टोर। आई एम 100% श्योर दैट दिस पीडीएफ नोट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।